सिसोदिया जी को आज इन्होंने एक झूठे केस में गिरफ्तार किया है। मैं कहूँगा ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं है, लाखों बच्चों के भविष्य की और उनकी उच्च शिक्षा की अवमानना है, क्योंकि स्कूलों में अक्सर लिखा रहता है अगर आप छोटों के लिए स्कूल बना दोगे तो बड़ों के लिए जेल बनाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन स्कूल बनाने वाले को जेल भेजना ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा ही हो सकता है। वो नहीं चाहते कि देश शिक्षित हो, वो नहीं चाहते कि देश के लोग युवा उच्च स्तरीय जो शिक्षा है वो देश में ही लें, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पढ़ गए वो सोचने लगेंगे तो जो हमारा नफरत का एजेंडा है उसको समझने लगेंगे, फिर हमें वोट कौन डालेगा। तो इसलिए आज जो मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है झूठे केस में, सख्त शब्दों में निंदा करते हैं हम। और ये अकेला मनीष जी को नहीं, पूरे देश में कोई भी देश के लिए बोलेगा, कोई भी इनके खिलाफ तो अगर एक कोई किसी कॉमेडियन ने कमेंट कर दिया था उसको भी पकड़ लिया था, तो मतलब ये नहीं चाहते कि हमारी मर्जी के बिना कुछ हो। लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। हमारा देश एक गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल हैं, हर फूल का अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुशबू है, लेकिन ऐसा करके बीजेपी जो है वो डराना चाहती है, हमारी टीम को तोड़ना चाहती है कि ये इनकी टीम आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी बन गई है, ये गुजरात में भी गए वहाँ 13% वोट लेके आए, ये पूरे देश में जाते हैं और हमारे बारे में बोलते हैं। अंदर किसको होना चाहिए था? अंदर होना चाहिए था जो LIC खा गए, जो बैंकों का पैसा खा गए, जिनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, अंदर उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो खुले में घूम रहे हैं और जहाज़ों में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, और देश में स्कूल खोलने वालों को और दिल्ली का बजट 24,000 करोड़ से 72,000-75,000 करोड़ तक लेके जाने वालों को, देश की दिल्ली की तरक्की कराने वालों को कह रहे हैं जेल में भेजेंगे। तो ये बहुत ही कायरतापूर्ण कदम है। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है, हमारी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली है, रामलीला ग्राउंड से निकली है, हम किसी और पार्टी से निकाले हुए या छोड़कर आए हुए वो वैसे पॉलिटिशियनों की पार्टी नहीं है। हम लोग अलग अलग फील्ड से आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, मनीष जी बहुत बड़े पत्रकार थे, मैं एक फेमस आर्टिस्ट था, कोई वकील था, कोई हम में से कोई टीचर था, तो कोई सोशल वर्कर था। तो आम आदमी पार्टी में हर समाज का हर वर्ग है, तो इसका ज़बरदस्त हम विरोध भी करेंगे, लेकिन डरा लें जितना इन्होंने डराना है, बाज उतना ही ऊपर उड़ता है जितनी हवा उसके विरुद्ध होती है।